स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे किड्स एंड वर्ल्ड मम्मीज। तो मैं आज आपको ये वीडियो लेकर के आई हूँ कि बच्चे को कितनी मात्रा में और किस किस तरीके से हमें दूध पिलाना चाहिए। तो पेरेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, हाँ हर कोई को पेरेंट्स जो होता है वो सोचता है कि बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कितना दूध पिलाना है, बच्चे का पेट कैसे भरा भरा रहे और बच्चे का पेट खाली ना रहे। तो मैं आज आपको ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक वीडियो आपके द्वारा आपको बता रही हूँ। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि देखो दूध जो होता है वो दो प्रकार से पिलाया जाता है, एक तो पिलाया जाता है बॉटल का, एक पिलाया जाता है ब्रेस्ट मिल्क। तो हम ये देखेंगे कि हम बॉटल वाला दूध कैसे पिलाते हैं और ब्रेस्ट मिल्क वाला दूध कैसे पिलाते हैं। कि बच्चे को अगर हम बॉटल से दूध देंगे तो कितनी क्वांटिटी में देंगे, अगर ब्रेस्ट मिल्क देंगे तो वो कैसे देंगे। तो फटाफट से आपका टाइम जाना ज़्यादा लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बॉटल का मिल्क बच्चे को कैसे दिया जाता है और कितनी क्वांटिटी में दिया जाएगा। देखो जो बॉटल आती है हमें सेम साइज की बॉटल लेनी है, जो मार्केट में आती है बच्चों के लिए हमें बॉटल खरीदनी है। खरीदने के बाद अगर हम उसमें जिसको एरो लगे रहते हैं जैसे 30 ml, 20 ml, 75 ml, 100 ml, 120 ml, ऐसे जो होती है बॉटल आती है बच्चों की, उस पर लिखा हुआ आता है कि हमें कितना ml बनाना है बच्चे को दूध। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जब स्टार्टिंग में जब अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट जो इसमें होती है 30 ml, जो 30 ml लिखा रहता है हमें उस हिसाब से बच्चे को दूध देना है। और फिर क्या करेंगे कि जैसे हर 3 घंटे में क्या करेंगे, बच्चे को क्या करेंगे, बॉटल का दूध अगर आप दे रहे हैं तो पिलाएंगे, और अगर ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं तो वो भी पिलाएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बॉटल के दूध की। तो हमें यह है कि बॉटल का दूध कैसे देना है। तो जो बॉटल होती है उसमें लिखा रहता है कि 30 ml, 30 ml यहाँ पर लिखा रहेगा, उस हिसाब से हम दूध बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे, 3 घंटे के बाद फिर से उस दूध को 30 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। तो क्या करेंगे, 30 × 3, 30 × 3। तो क्या करेंगे उसमें, क्या होगा, 90 ml। तो हम क्या करेंगे, 30 फिर 30 फिर 30, तो उसमें लिखा रहेगा बॉटल में कि 90 ml। तो हमें क्या करना है, हर 3 घंटे में बच्चे को क्या करना है, 90 ml दूध देना है। तो उससे क्या होगा, बच्चे का पेट भी भरा भरा रहेगा और बच्चे को क्या होगा कि उसको कमजोरी भी नहीं होगी और हेल्थी न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा दूध से और बच्चे को कमजोरी महसूस नहीं होगी। और बच्चे का पेट भरा भरा रहेगा तो ऑब्वियसली वो आराम से सोएगा। होते हैं जैसे 90 ml आपने दूध उसको देना है बच्चे को। अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई बच्चे क्या होते हैं ज्यादा दूध पीते हैं, तो हमें उनको क्या करना है, जैसे 100 ml बना लीजिए आप, 120 ml बना लीजिए, या 90 से ऊपर बना लीजिए। तो उससे क्या करेंगे, जैसे बच्चा जितना दूध पिएगा, तो अगर बच्चा खुद ही बच्चा क्या करेगा, जैसे बॉटल वो दूध से दूध पी रहा है बॉटल से, तो वो क्या करेगा, जब उसका पेट भर जाएगा तो वो खुद ही बॉटल छोड़ देगा। और क्या करना है कि उसी रूटीन में चलना है जैसे हम मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि 30 ml आप दूध बनाइए, हर 3 घंटे के बाद क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो क्या होगा, 90 ml हो जाएगा। तो फिर 90 ml हमें हर तीन तीन घंटे में बच्चे को दूध जरूर पिलाएं। ये तो है दिन की बात। अगर रात की बात है तो रात की बात में क्या होता है कि हर 5 घंटे के बाद हमें बच्चे को दूध जरूर पिलाना है। अगर बच्चे का पेट भरा रहेगा तो उससे क्या होगी, उसकी गैस की जो प्रॉब्लम होगी वो भी नहीं होगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हर बच्चे को, जो 6 महीने से नीचे के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो दूध पे ही डिपेंड होते हैं। तो हमें क्या करना है कि हर 3 घंटे के बाद हमें बच्चे को 90 ml दूध पिलाना है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो बॉटल होती है उसमें आप 90 ml तक ही दूध मत बनाइए, उसमें आप 120 बना सकते हैं, 75 बना सकते हैं, ऐसे बनाइए, 100 बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बच्चे ज़्यादा भी पी लेते हैं और कई बच्चे कम भी पी लेते हैं, इसमें घबराने वाली बात कुछ भी नहीं है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि बच्चे को हर 3 घंटे में 90 ml दूध आपको पिलाना है तो पिलाना ही है। इससे क्या होगा, बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, बच्चे का पेट भरा भरा रहेगा, उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और कई बार बच्चे जो होते हैं रात को रोते हैं, अगर दिन में रो रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होगी। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि बच्चे को आपको कितना दूध पिलाना है। मैंने आपको क्वांटिटी के हिसाब से बता दिया है, आप इस चीज़ को फॉलो करिए, कुछ टाइम तक इसी चीज़ को फॉलो करिए, फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका बच्चा कितना दूध पीता है। क्योंकि हमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जब बच्चा हो रहा होता है
बच्चा पैदा हुआ होता है तो हमें ये नहीं पता रहता कि हमें उसे कितना दूध पिलाना है, कैसे पिलाना है, इसका बच्चे का पेट भरा नहीं भरा, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि बच्चे का पेट जो है भरा भरा रहे और बच्चा हेल्दी रहे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप बच्चे को कितना दूध पिला सकते हैं। बाद जो है दांत निकलते हैं तो उसमें क्या करता है बच्चा जो होता है कई चीज़ें जैसे खा, फिर तो फिर 6 मंथ के बाद तो क्या होता है बच्चा हल्की फुल्की जैसे दाल का पानी है या दलिया है ये चीज़ें खाने लगता है। तो आप क्या करिए उस टाइम पे घबराइए नहीं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, दूध नहीं पी रहा, ये चीज़ें नहीं खा रहा, क्योंकि उसके जो होते हैं ना दांत आते हैं तो वो निपल्स भी काटता है और हर चीज़ उसको, जैसे आप एक मार्केट में ऐसे रोल रिंग टाइप का आता है तो उसको ले आइए, बच्चा उसको काटते रहता है काटते रहता है, उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसके दांतों में क्या होती है ना खुजली लगती है। तो इसलिए होता है बच्चा अपनी जो खाने की क्वांटिटी होती है और जो दूध की क्वांटिटी होती है थोड़ी कम कर देता है। और प्लस आप डॉक्टर को भी दिखाइए क्योंकि आजकल क्या होता है दांत में अगर बच्चे के दांत आ रहे होते हैं तो डॉक्टर दवाई देते हैं कि जिससे बच्चे के दांत जल्दी जल्दी आ जाए, और बच्चे को कई बच्चों को क्या होते हैं लूज मोशन हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाते हैं। तो आप मेरी ये जो वीडियो है, जो सर्दी जुकाम की वीडियो है, लूज मोशन की वीडियो है, आप इस मैं इसमें लिंक दे दूंगी, इस वीडियो के लास्ट में लिंक दे दूंगी, आप उसमें जाके सर्च करिए कि बच्चे को लूज मोशन हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, उन सब चीज़ों से आप कैसे रिलीफ लेंगे, जो 6 मंथ से नीचे के बच्चे हैं। मैंने इसमें वीडियो बना रखी है, आप मैं इसमें नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, आप उनको क्लिक करके देखिए कि आखिर बच्चे को ऐसे लूज मोशन हो गया या सर्दी जुकाम हो गया क्यों हो रहा है और इनके क्या ऐसे उपाय हैं। अब बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क की कि बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क अगर जो माँ का दूध, बच्चे जो माँ के जो बच्चे जो होते हैं वो माँ के दूध पे ही डिपेंड होते हैं। तो हम बात करेंगे कि अब ब्रेस्ट मिल्क से बच्चों का हमें, हम जैसे माँ होती है बच्चे को दूध पिला रही है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि बच्चे का दूध पेट भरा या नहीं भरा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं दूध पीते पीते सो जाते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चे की, जैसे ये ईयर है, ईयर के पीछे से ऐसे 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 करना है, ये चिन है, चिन के नीचे से ऐसे ऐसे करिए, ये जो पैर होते हैं पैर के नीचे से ऐसे ऐसे करिए। तो कैसा इससे क्या होता है कि बच्चा क्या होता है उसको नींद नहीं आती है, और नींद नहीं आएगी तो बच्चा क्या करेगा दूध को क्या करेगा, माँ के दूध को क्या करेगा पीते रहेगा, तो उसका पेट जो है भरे रहेगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि ब्रेस्ट मिल्क अगर माँ को ये भी रहता है कई बार कि हम जैसे ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को दे रहे हैं, हम पिला रहे हैं, तो हमें ये पता ही नहीं चलता है कि बच्चे ने एक मतलब ब्रेस्ट मिल्क से कितना दूध पिया है और हमें उसका पेट भरा है या नहीं भरा है, ये हमें इस सारी चीज़ों की नॉलेज होती ही नहीं है। तो मैं बताती हूँ कि जैसे आपने एक ब्रेस्ट मिल्क से, एक ब्रेस्ट से क्या करा 15 मिनट तक, फिर दूसरे ब्रेस्ट से 15 मिनट तक आपने दूध जरूर पिलाना है। तो इससे क्या होगा आपके दोनों ब्रेस्ट से बच्चा दूध पिएगा और बच्चे को क्या करेगा हेल्दी भी होगा और उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आपका बच्चा जैसे दूध पीते पीते जो सो जाते हैं उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे बच्चा ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो उसके कान के पीछे ऐसे करिए, चिन के नीचे ऐसे करिए, और जो पैर होते हैं पैर के नीचे से भी ऐसे करिए, तो इससे बच्चा सोएगा नहीं और प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क उसको मतलब प्रॉपर वो दूध पिएगा। और फिर सेकंड है कि अगर बच्चे को जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे हमने दूध पिला दिया, ठीक है 15 मिनट हमने एक ब्रेस्ट से पिलाया, 15 मिनट एक ब्रेस्ट से पिलाया, अगर आपको लगता है कि बच्चा फिर 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद फिर से रो गया या आधे घंटे के बाद वो फिर से रोने लगा, फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि मतलब बच्चे क्यों रो रहा है आपको पता नहीं चल रहा, इसका मतलब है कि आपके ब्रेस्ट से उसको प्रॉपर प्रॉपर जो दूध बच्चे को जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि बॉटल का दूध जरूर यूज़ करिए, भी दूध आप यूज करती हैं, काओ का मिल्क यूज करती हैं तो काओ का मिल्क यूज करिए, अगर आप डिब्बे का दूध मिल्क यूज करती हैं तो डिब्बे का करिए, आप जो भी मिल्क यूज करती हैं तो, लेकिन आप बच्चे को भूखा मत रखिए, भूखा रहेगा तो उससे क्या होगा बच्चे को, बच्चा रोएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चे को क्या हो रहा है। तो इसलिए क्या करिए अगर ये चीजें सब चीज बच्चा कर रहा है, आपका दूध पीने के बाद भी बच्चा रो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का पेट जो है प्रॉपर तरीके से नहीं भर रहा है। तो आप क्या करिए उसको बॉटल का दूध जरूर पिलाएं। वीडियो बहुत सिंपल था लेकिन हमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, पेरेंट्स जो हैं हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है, या बच्चे को कितना दूध चाहिए, अगर वह बॉटल से दूध पीता है तो उसको कितना दूध पी चाहिए, अगर वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो बच्चे को कितना दूध चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने दोनों आपको अलग अलग क्लियर करके बता दी हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।